तो अमर उजाला के इस खास प्रोग्राम में संपादक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इतना बड़ा कदम उन्होंने जो एक रैली निकाल कर यहाँ पे लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं, इस पे उन्हें कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि कर्ता धरता वही है, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सर आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, देश में इतना बड़ा दिन है, धारा 370 समाप्त हुई है, हमारे भाई बहन अब जो पूरी तरीके से एक हो चुके हैं, तो उस पर आपका क्या महसूस? देखिए मातृ जय प्रणाम, अमर उजाला का ये अभियान जो है वो बेसिकली लोगों के बीच में जन जागरूकता पैदा करना है कि 52 सेकंड में हमको राष्ट्रगान को फिनिश करना होता है, उसी जन जागरूकता के लिए ये पूरा अभियान होता है। वैसे भी मेरठ क्रांति धरा है, 1857 में क्रांति की चिंगारी यहीं से फूटी थी, तो ये पूरा प्रोग्राम पेट्रियाटिक थीम पर होता है और पूरे शहर को ये बताने की कोशिश की जाती है कि देश प्रेम का जज्बा जागे लोगों में और हम 52 सेकंड के भीतर राष्ट्रगान को समाप्त करें। तो उसी के कड़ी में आज ये आह्वान किया गया था पूरे शहर को जन जागरण करने के लिए, ये बाइक रैली शुरू हुई, जिलाधिकारी ने अमर उजाला से हरी झंडी दिखा के रवाना किया और यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे तीज क्वीन है, महिलाओं में बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम तरीके का नारा है, महिला सशक्तिकरण का मामला है, तो हमने उसमें आधी आबादी को भी उनके लिए भी एक प्रोग्राम रखा है, जो चूल्हे चौके में लगी रहती हैं, उनको इससे इतर कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए कल तीज क्वीन का आयोजन किया गया है और वो अपनी परफॉर्मेंस देंगी। इसके बाद कवि सम्मेलन है, डांस कंपटीशन भी है और सारे पैट्रियाटिक थीम पर हैं। 13 अगस्त को इंटर स्कूल डांस कंपटीशन है और 14 तारीख को चौधरी चरण सिंह ऑडिटोरियम में हमारा कवि सम्मेलन होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता से मैं ये अनुरोध करूँगा कि वो चौधरी चरण सिंह ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन में ज़रूर भाग लें, देशभक्ति से ओतप्रोत ये कवि सम्मेलन अपना नया मुकाम हासिल करेगा, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पे किए। आप क्या बने हो बेटा? सुभाष चंद्र बोस। किस चीज के लिए जाने जाते हैं? कुछ बोलना है आपको देश के लिए? बोलो जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। आपका क्या नाम है? आप बताओ। व्हाट? आप क्या बने हो? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर क्या करते हैं देश? आर्मी ऑफिसर देश की रक्षा करते हैं। और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? इनकम टैक्स ऑफिसर। तो आर्मी ऑफिसर नहीं बनना? नहीं। तो देश के जो हमारे इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको आप क्या बोलना चाहते हो? व्हाट? जो हमारे देश के आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको आप क्या बोलने चाहते हो? वो हमारी रक्षा करते हैं ना, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? मैं उन्हें यही बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए वी सैल्यूट टू देम। वेरी गुड। आप बताओ बेटा, आप क्या बने हो? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बने हो? इंदिरा गांधी के बारे में जानते हो आप? नहीं जानते। तो क्या कहना चाहते हो आज? जय हिंद जय भारत बोल दो। जय हिंद जय भारत। और छोटे से महात्मा गांधी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम है बेटा आपका? रहीम। आपको पता है आप क्या बने हो? क्या बने हो? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्यों जाने जाते हैं? अच्छा, महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं? बापू बोलते हैं। बोल दो बापू। बोलो बेटा बापू। बोलिए बापू। बोल दो बापू। कैसे लग रहा है आज आपको ऐसी ड्रेस पहन के? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो बहुत हैप्पी थे ना सुबह, जल्दी से कहिए। बोल दो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और पीछे, आप बताओ बेटा आपका क्या नाम है? मिस्टी। आप क्या बने हो? मैं एक सिंपल सी स्टूडेंट। स्टूडेंट। और अभी आपने डांस परफॉर्मेंस किया, किसने सिखाया आपको डांस? तरुण सर ने। कैसा, किस गाने पे डांस किया आपने? देश के लिए। देश के लिए। तो आपके इनके कोरियोग्राफर भी हमारे साथ है सर, आपसे पूछेंगे, बच्चों को डांस सिखाने में काफी मेहनत लगती होगी, तो क्या आपका थीम रहा आज? आज का थीम था, बहुत मज़ेदार था, अपने देश के लिए कुछ करना था, तो मुझे मज़ा आया सुन के कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें तो मैं सबसे पहले आगे रहता हूँ देश के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ें। अभी हम एक वर्कशॉप भी रख रहे हैं जो कि इंडियन आर्मी के, उससे ही हम नाम से रख रहे हैं, जो कि बच्चे हमारे इंडियन आर्मी की वर्कशॉप करेंगे और जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको मुंबई प्लेटफॉर्म देंगे हम, वो पूरा का पूरा वर्कशॉप डायरेक्ट मुंबई में ही लेके जा रहे हैं वो सब चीज़ें, और वहाँ पर हम सभी बच्चों को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होंगे, और वो उस वर्कशॉप का थीम ये है, जो भी उस वर्कशॉप से पैसा आएगा वो हमारे शहीदों के जो जितने
जितने भी हमारे शहीद हुए हैं वो उनके पास हमारे वो हम पैसा वहाँ पे परिवारों को हम देना चाहेंगे, जो कि ये पूरा एसोसिएशन हमारा पूरा मुंबई से ही है। और मैं तरुण गुप्ता अल्टीमेट रोबोट और इसी सब चीज़ के लिए बच्चे आज इतना मेहनत करी है सब बच्चों ने, एंड थैंक यू सो मच अमर उजाला के लिए कि हम उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। एंड थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स कहेंगे हम सभी, पूरी टीम थैंक्स कहेंगे, और थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मोदी ने जो काम करके दिखाया है, शायद मैं चाहती हूँ कि ना हमारे देश में सब मोदी जैसे बन जाए तो ये देश इतना अच्छा हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा, आने वाला फ्यूचर बच्चों के लिए एक इतना अच्छा सपना हो जाएगा, हर कोई मोदी हो जाए, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। देख सकते हैं यहाँ पे आप जो खुशी है लोगों के बीच वो कितनी ज्यादा जो जाहिर हो रही है, उनका जो देश के लिए जो देशभक्ति है वो बहुत अच्छे से सामने निकल के आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कैसे लग रहा है आज आपको इस खास प्रोग्राम में, देश के लिए क्या कहना चाहते हैं? वंदे मातरम, अमर उजाला को थैंक्स बहुत बड़ा जिसने हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है, उसका महानगर अध्यक्ष हूँ मैं। केवल मैम इस विषय में इतना कहना चाहूँगा कि सामाजिक स्तर पर जो पहल करी है सामाजिक लोगों के द्वारा, तो ये बहुत सराहनीय है और इस तरह का कार्यक्रम होते रहने चाहिए। तो 15 अगस्त, खाली 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी, इस तरह के जो समारोह आते हैं उस पर इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों इस चीज़ के लिए। आपके कहने। नमस्कार, मैं हिमा गौड़ कौशिक, हिमा म्यूजिक डांस अकेडमी प्ले स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला को जिन्होंने इतना बड़ा और इतना अच्छा कार्यक्रम करा, बहुत दिनों बाद इतने सारे लोग, इतनी गैदरिंग, इतनी अच्छे से देखने को मिली, थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहना चाहते हैं, कितना जोश इस वक्त युवाओं में है, आप क्या कहना? जो जोश युवाओं में है वही है, हम बुजुर्गों में भी वही आएगा, क्योंकि युवाओं से ही बुजुर्ग चलते हैं। मैं बेटिया बेटिया फाउंडेशन से हूँ और ये अमर उजाला बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है कि जिसमें जोश बढ़ता है। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अपूर्वा प्रकाश खरे है, मैं सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? जी वैसे तो देखिए ये जो पर्व है ये बहुत खुशी वाला दिन है, और सरकार ने जो कदम उठाया है 370 की जो धारा खत्म की है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब उन लोगों को भी मौका मिलेगा, देखिए वो लोग ऑलरेडी एजुकेट हैं बट वो लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं, अब वो लोग समझेंगे उनकी क्या वैल्यू है, वो लोग भी हमारे अपने हैं, वो लोग हमसे अलग नहीं हैं, अब उनको भी मौका मिलेगा। देखिए वो लोग भी इंजीनियर डॉक्टर, और हम चाहते हैं वो लोग भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी सुनेंगे। हेलो, क्या महसूस कर रहे हैं, जो जोश यहाँ पर है आप किस पे? बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा यही संदेश है हमारे युवाओं के लिए कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, देशभक्ति की जो भावना है उनके अंदर प्रेरित होनी चाहिए, कूट कूट के वो भावना भरी होनी चाहिए ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। हम लोग यहाँ पे IAS की तैयारी करवाते हैं, IAS ऑफिसर तैयार कर रहे हैं आगे आने वाले भविष्य के लिए, ताकि वो समझ सके कि देश की क्या उम्मीद क्या है हमारे युवाओं से। और इस तरह के प्रोग्राम जब हम अटेंड करते हैं तो एक अलग ही स्फूर्ति, एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। आप देखिए मेरे हाथ पे तिरंगा है, एक म्यूजिक चल रहा है, और मेरे अंदर ऐसा आ रहा है कि लाइक मैं कारगिल बॉर्डर में खड़ी होकर मैं लड़ाई कर रही हूँ। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि बिल्कुल धूमधाम से हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएं और बहुत एंजॉय करें और देशभक्ति की भावना रखें, ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता जाए। थैंक्स। सिमरन, तो सिमरन देश हमारा आज़ाद हुआ था 72 साल पहले, लेकिन कश्मीर पूरी तरीके से अब हमारा हुआ है, लेकिन हमारे दिल में जो बात है वो यही है कि वो पहले भी हमारा था और अब भी हमारा। आपका क्या कहना है, और क्या आपके अंदर जोश है जो आज अमर उजाला ने जो हमेशा से पहल करता आया उसमें आज आपने भागीदारी की है, तो आप क्या कहना चाहती हैं देश? देश के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखो जो भी सरकार ने अभी स्टेप लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि पीछे 70 सालों में जो स्टेप नहीं लिया जा सका वो अब लिया गया है, तो डेफिनेटली कुछ अलग है। बचपन में मुझे याद है कि मैं मैप देखा करती थी, जो ब्लैक एंड वाइट या किसी तरह का मैप होता था जो हमारे स्कूल वाले इशू करते थे, उसमें मैं देखती थी कि मैप आधा होता था, ऊपर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता नहीं था। तो कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि मैप में ये ऊपर का हिस्सा क्यों नहीं है, तब समझ नहीं आता था क्योंकि आई वॉज वेरी यंग। तो अब समझ में आया कि वो ऑफिशियली नहीं माना जाता था हिस्सा, क्योंकि वहाँ का फ्लैग अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग तरीके की सोचती है। तो अगर अब गवर्नमेंट ने सीरियसली अगर कोई स्टेप उठाया है तो उन्हें भी, इवन जम्मू कश्मीर के जो आवाम है उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। और हमें ये पता है कि हर जगह अगर उद्योगीकरण होगा तो
मैंने बहुत छोटे छोटे शहरों में जम्मू कश्मीर के लोगों को आकर बहुत मेहनत करते हुए देखा है, तो दिमाग में यही सवाल आता है फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं मिली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे भी उद्योगीकरण हो और वहाँ की जो आवाम है उन्हें हर तरह की फैसिलिटी मिले, क्योंकि हर तरह का जो अधिकार है चाहे वो शिक्षा का हो सेफ्टी का हो वो हर किसी का अपना जन्म सिद्ध अधिकार होता है। आज यहाँ पे सबका धन्यवाद है अमर उजाला को, फर्स्ट बाइट की टीम से भी अमर उजाला को हम धन्यवाद करते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक यादव के साथ प्रेरणा तलवार, फर्स्ट बाइट टीम।